अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज मी हानिया एंड वेलकम टू हानीज वर्ल्ड। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मैंने लास्ट ब्लॉग अपना अगस्त में डाला था और उसके बाद मैं अब डाल रही हूँ 26 सितंबर को, क्योंकि आज है मिसबा का बर्थडे। 26 सितंबर को मिसबा का बर्थडे है, तो उसके लिए काफ़ी सारी सेलिब्रेशन करनी है, डेकोरेशन करनी है, केक लाना है, गिफ्ट लाना है, बहुत कुछ करना है। वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, बस आपको मेरा ब्लॉग देखते रहना है। तो उसको तो मैंने ये शो करवाया कि मैं उसे गिफ्ट नहीं देने वाली, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं उसे गिफ्ट भी दूंगी और डेकोरेशन वगैरह भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, जो जो वो चाहती है वो सब होगा। तो अभी तो मैंने उसके लिए कॉलेज की छुट्टी की है। मिसबा, जब भी ये ब्लॉग देखो तो सुबह वो मुझसे पूछ रही कॉलेज क्यों नहीं गए। मैंने कहा मेरा दिल भी कर रहा था, लेकिन असल बात ये है कि मैंने छुट्टी उसके लिए की है, ठीक है, क्योंकि जब भी मैं कॉलेज जाती हूँ आकर मैं पढ़ के सो जाती हूँ, फिर पूरा दिन मैं सोई सोई रहती हूँ। तो मैंने कहा अभी तो बहुत सारी डेकोरेशन वगैरह होंगी, गिफ्ट लेने जाना है, तो उसके लिए मैंने छुट्टी की है। और अभी मैं उसके लिए केक लेने जाऊँगी, गिफ्ट लेने जाऊँगी, डेकोरेशन का सामान लेने जाऊँगी और सब कुछ डेकोरेट करूँगी, जो जो करूँगी आपको दिखाऊंगी। बस आपको मेरे चैनल को देखते रहना है, मेरे को सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे ब्लॉग को लाइक करना है। और अभी तो फिलहाल मैं नाश्ता करूँगी, क्योंकि इतनी देर से सोकर उठती हूँ। जब मैं कॉलेज नहीं जाती, दो दो एक एक बजे उठती हूँ, तो अभी तो 2 बज रहा है और मुझे नाश्ता करना, जल्दी से नाश्ता करती हूँ, फिर मिलते हैं। इधर आ गया है मेरा नाश्ता, पराठा, कल का बचा हुआ अंडे आलू का सालन, मिसबा का पराठा, साफी का पराठा, ये हमारी चाय आएगी। और देख लो भाई, 2 बजे मेरा नाश्ता हो रहा है। जब मैं कॉलेज से छुट्टी करती हूँ तब इतने ही बजे होता है मेरा नाश्ता। तो गाइस, अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि अभी मुझे जाना है मार्केट। इतनी देर करती हूँ मैं मार्केट जाने में, अभी हमें जाना है मार्केट, मिसबा का केक लाना है, मिसबा के गिफ्ट लाना है, मिसबा का डेकोरेशन का सामान लाना है। उसके बाद हम डेकोरेट करेंगे अपना मिसबा की बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। और मैं आज इसके लिए क्रिस्पी चिकन भी बना रही हूँ, तो मुझे जल्दी से मार्केट से सारा सामान लाना है। और फिर तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और मैंने मिसबा को बोला कि मैं इसे कोई गिफ्ट नहीं दे रही, लेकिन मैंने पैसे ले लिए, मैं इसको गिफ्ट दूँगी एज अ सरप्राइज। सो लेट्स गो गाइस, बड़ा मज़ा आने वाला है, लेट्स सी, बस सारा चीज़ें मिल जाए, आगे हो चुके हैं हम वापसी। और किस हालत में गए थे, किस हालत में आ रही हूँ, इंतहा हो गई। मिसबा इतनी नाशुकरी, नकचरी, बदमिजाज लड़की है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। किसी को याद है हम कितने बजे गए? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मुझे ऑलरेडी स्कार्फ की हालत देखो यार, मेरी इतनी हालत देखो, मेरी ये हालत हो गई यार। अब आप सब इसका केक देखो, और यही केक देख के इसने बिक्री पे रोना शुरू कर दिया था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और भी गिफ्ट है, और भी गिफ्ट है, वो सब अच्छा नहीं था, वो सब अच्छा नहीं थे, ठीक है, लेकिन ये अच्छा था। तो जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया वैसे नहीं थे। चुप हो जाओ, चीखो नहीं यहां पर। एक तो ये टेप ऐसे लगा देते जैसे केक नहीं, ब्लास्टर बॉम्ब दे रहे हो। सब खा सब गिर जाता, तो अबे चुप कर, इससे बर्बाद होते, देख सकते हो कितनी बदतमीज है ये, ठीक है। मतलब इतनी नाशुकरी लड़की है ये, मैं आप लोगों को बताऊं। हेलो गाइस, हेलो, ये है मिसबा और ये है नाशुकरी। ओए मैं नाशुकरी नहीं हूं, अल्लाह की पनाह। क्या तो टेल मी इन कमेंट गाइस, ये केक अगर अच्छा नहीं हो तो अच्छा क्या होगा यार? यार कसम से क्रीम अच्छी है, विदाउट ऑर्डर ये केक अच्छा है, टेस्ट में भी अच्छा है। हां जी, ने बिल्कुल सही बोला कि तुम नाशोका बने। अभी देखिए इसके बारे में, इसमें नाशोका बने नाम पता नहीं दिखाया नाम, वो मैंने बाबा, इसने मेरा इतना बुरा मूड कर दिया ना कि मेरा दिल कर रहा है यहीं पे इसको पीटू पकड़ के। बाबा रोने लग गई, गत्ता इन्होंने कैसे बंदे, ये देख सब उस पर लग गया, यही तो ये है टोटल। अभी जो हम खरीद के लाए हैं मिसबा की डेकोरेटिंग का सामान, ये है, हम बलून्स लाए हैं और ये कलर वाला क्या था, ये कलर वाला बम बोल रहे थे अंकल, है ना। और ये है, ये फिर से निकल गया, ये जो था स्पार्कल कैंडल। ये सारे गिफ्ट मिलेंगे इसको बाबा की तरफ से, ये गिटार, ये परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, क्ले का सेट, कागलों वाले शौकेंस के, और ये क्या बोलते हैं सर, लिप ग्लॉस दिया है, ये पेन, और ये वाटर बॉटल की तरफ से लाई है, ये चॉकलेट, और बस। और डेकोरेटिंग का सामान हमने ज़्यादा से नहीं लिया, बस वो फ्रिज में है। डेकोरेटिंग का सामान हमने ज़्यादा से नहीं लिया, क्योंकि मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि हमारे पास डेकोरेटिंग का सामान पड़ा रहता है, तो जल्दी से वो उतारो। और मैं जा रही हूँ अब क्रिस्पी चिकन बनाने, वो बना दो और तुम लोग डेकोरेटिंग करो। बर्थडे गर्ल बेचारी खुद ही अपनी डेकोरेटिंग करेगी, कोई बात नहीं, इसके फिर उसके बाद हम खाना वाना तैयार करके सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, आप ही भी इसकी हेल्प करवाएगी डेकोरेटिंग में, तुम जल्दी से वो वाला सामान उतारो और ये जो सामान लाया है इसकी हेल्प से डेकोरेटिंग स्टार्ट करो, अपने कपड़े निकालो, तैयार हो और जल्दी से सारा कुछ करना है। और मैं बनाऊंगी क्रिस्पी चिकन, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ मैं क्या करके गई थी और अब मुझे क्या करना है। तो वहाँ पर इतना टाइम लग गया, मुझे नहीं थी उम्मीद कि मुझे इतना टाइम लग जाएगा इसकी शॉपिंग में, थोड़ी बहुत शॉपिंग जो की थी। तो अभी हम सबसे पहले क्या होती है, मुझे, मैं वैसे इतना ज़्यादा थक गई हूँ और मैं वहाँ से आई हूँ, मैंने इतनी
दुकानों पे इसको घुमाया फिराया, मिस भाई ये ले लो, मिस भाई वो ले लो, मिस भाई ये ले लो, मिस भाई ये ले लो, केक कितने का ही है, और एक तो प्राइस भी देखना पड़ता है। मैंने आकर पानी भी नहीं पा, मैं इतना बोलती हूँ, मैं पहले पानी पी लूँ, सांस ले लूँ, फिर मैं बोलती हूँ, फिर मैं आगे को बोलती हूँ। चिकन जो मैं नमक, जो मैं पानी में नमक के साथ और विनेगर के साथ भिगो कर रही थी, और इससे बननी है क्रिस्पी चिकन, और ये है अलग से चिकन। इस चिकन से बनेगी बिहारी बोटी टाइप, तिक्का बोटी टाइप, थोड़ी अच्छी सी। तो अब मैं क्रिस्पी चिकन बनाना शुरू करती हूँ, और मैं क्रिस्पी चिकन की रेसिपी भी आप लोग को बताऊँगी। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने लेना, हम थोड़ा किचन साफ करेंगे, क्योंकि मेरे अंदर ये आदत है कि मुझे जब तक किचन साफ़ नहीं मिलता तब तक मैं काम स्टार्ट नहीं करती। पहले मैं किचन साफ़ करूँगी, फिर मैं स्टार्ट करूँगी, और मैं आपको पूरी रेसिपी बताऊँगी क्रिस्पी चिकन की। हम अपनी क्रिस्पी चिकन बनाना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, हमारी जो चिकन थी इसको हमने नमक और विनेगर के पानी में डाला था। अब इसको हमें छान लेना है, बिल्कुल पानी छानना है। इसके लिए चिकन बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, जैसे ये मैं कर रही हूँ। रेसिपी बताने वाली, वैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं खुद पहली बार बना रही हूँ, लेकिन मुझे पता है दूसरी बार बना रही हूँ, पहली बार मुझे खास नहीं मिलती, लेकिन आज मुझे पता है कि अच्छी बनी, मेरी गट फीलिंग आ रही है, मेरी गट फीलिंग जो आती है वो सही आती है हमेशा। तो सबसे पहले हमने हमारी जो चिकन थी, आधा किलो चिकन थी है, और एक किलो चिकन के पीछे मम्मा बना रही है तिक्का बोटी टाइप कुछ होता है वो, हमारे यहाँ बिहारी बोटी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लूँगी इसमें एक चम्मच के करीब पिसी हुई लाल मिर्ची, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी ज़्यादा नहीं है, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है वैसे तो, यह है टिक्का मोटी मसाला। अगर आप स्पाइसी का बनाए और डालना चाहते हैं तो आप डाल लें, वरना इतना जरूरी नहीं है, हम लोग बहुत स्पाइसी खाते हैं, तो मैं इसको डाल रही हूँ। और जो है वरना आप अगर इतना स्पाइसी नहीं खाते हो, ये डालना है तो आप ये दोनों हाफ क्वांटिटी की लें। ये नमक है, और नमक मैं ले रही हूँ हाफ टी स्पून, ये हमारा पहले भी ये पानी में हुआ था नमक। और ये है हमारी काली मिर्चें, काली है ना ये, ये देखिए कितनी की करीब, थोड़ी ज़्यादा। और मैं आपको बताऊँ, मैं ना कभी भी जो है ना वो नहीं करती हूँ, मेजरमेंट नहीं करती हूँ, मेरे अंदाजे, ये जो रेसिपीज होती हैं उसमें मेरे अंदाजे भी बहुत काफ़ी रहते हैं, मतलब मैं अंदाजे से भी करती हूँ ना तो मेरी रेसिपी अच्छी आती है। और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये मैं लूँगी एक चम्मच के करीब, डेढ़ चम्मच के करीब, हाँ बल्कि ये दो कर लो एक मिनट। और अगर आप ये नहीं लेना चाहते, जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं लेना चाहते, तो आप पाउडर ले लें वन टी स्पून। यह है चिली सॉस, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहे तो लें चाहे तो नहीं लें, ये आपकी मर्जी पे है। और ये मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, बस अपनी रेसिपी का झटका डालने के लिए, क्योंकि मेरी हर रेसिपी में ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें। और मुझे पहले बोलो वाइट पेपर, तो ये मेरी स्पेशल रेसिपी है, आई जस्ट होप कि आप ट्राई करें। तो ये है वाइट पेपर, वाइट पेपर मैंने इतनी डाली है, और ये होगी हाफ टी स्पून के करीब। और मतलब आप लोग खुश होंगे यार ये क्या है, इसमें ब्लॉग में रेसिपी शुरू कर दी है, लेकिन मैं आपको बताऊँ तो मेरे ब्लॉग ऑलिंग मैन होंगे, इसमें सब कुछ होगा। ओ नो, इसमें आपको टिप्स भी दूंगी, इसमें आपको टिप्स भी दूंगी, रेसिपीज भी दूंगी, फन भी दूंगी, इंटरटेनमेंट भी दूंगी, और सब कुछ दूंगी। छोटे बाद में डालेंगे, यह है विनेगर, हमारे चिली सॉस बहुत जल्दी खत्म होता है, उसके बाद सोया सॉस और विनेगर बहुत चलता है, चिली सॉस सोया सॉस की नहीं होता, विनेगर हमारी अभी भी पुराने हैं। तो ये इतना विनेगर मैं डाल रही हूँ, और विनेगर विनेगर ज़्यादा हो गया, विनेगर ज़्यादा हो गया, क्या हो गया, कोई बात नहीं। और मैं आपको बताऊँ, एक मिनट, फोकस ऑन मी, तो मैं आप लोग को एक बात बताऊँ, हम तीन बहनें और हम तीनों कभी भी चिकन को, गोश्त को ना, कच्चे गोश्त और चिकन को हाथ नहीं लगाते, हम लोग को कुछ होता है, खा जरूर लेंगे लेकिन हाथ नहीं लगाते, ये पता नहीं क्या गंदगी लगाते, मुझे बुरा लगता है कि यार जब हम खा लेते तो हमें हाथ भी लगाना चाहिए, मगर हम नहीं लगाते। लेकिन आज मैं कच्ची चिकन को हाथ लगाऊँ, प्लीज नहीं बेटा, नहीं तो बनाओगी तुम, मैं नहीं लगाऊंगी, चम्मच 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 से वो बात नहीं आती, जो होता है ना हाथों का जायका वो यही होता है, हाथ में बहुत अच्छा जायका है, यही वो जायका है। आज मैं कच्ची चिकन को हाथ लगाने वाली हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस बार तुम्हारे लिए। और रियली मुझे हो पाएगा, लाइक यू कैन डू इट, कम ऑन जस्ट लाइक यू कैन डू इट, ऑल लाइक यू कैन डू इट, इतने तोड़े पड़ गए, कम ऑन जस्ट मीन यू कैन डू इट, ओह माय गॉड, कार्टून कार्टून, मैं कच्ची चिकन को हाथ लगा रही हूं, मैं कच्ची चिकन को हाथ लगा रही हूं, पहली बार जिंदगी में, पहली बार। हम उससे तीन दिन तक दूर ही रहना, तुम तो छुपी रहो, खुद नहीं कर रही, अपने लिए नहीं कर रही हूँ। मैं आप लोग को एक बता रहा हूँ, जैसे जैसे बाबा या मम्मा चिकन वॉश कर, हद है यार, कैमरा मैन मेरा इतना बुरा है ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बर्थडे हल्दी बनवा रही हूँ यार, मैं क्या मजे करेंगे। बाबा ये मम्मा चिकन को हाथ लगाते ना, तो मिसबा बोलती है मेरे पास नहीं आया, मुझे हाथ नहीं लगाओ, ये नहीं करो, और बाबा से इतनी बार हाथ धुलवाती है, मम्मा से इतनी बार हाथ धुलवाती है, और उनको नहाना पड़ेगा, चिकने लग जाए।
पर अभी डेकोरेशन स्टार्ट हो रही है और ये आप ये निकालनी है लाइटें और आप ही और आप ही हमारे घर की डेकोरेशन एक्सपर्ट है। और यहाँ पर ये लाइटें बाबा से चेक करवाई जा रही हैं कि ये लाइटें सही हैं या नहीं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और ऐसी ही रखी रहती हैं, तो अभी ये कभी भी ये बंद भी हो जाती हैं, तो अभी ये चेक करना है। उसके बाद डेकोरेशन स्टार्ट करना है और डेकोरेशन होगी इस वॉल पर। और डेकोरेशन की थीम है येलो और ब्लैक। इस बार आने वाली है येलो और ब्लैक। थीम येलो और ब्लैक है। हाँ जी, इस बार येलो और ब्लैक वाला स्कर्ट पहन रही है। सो गाइस, अभी हम चिकन को मैरिनेट करके बैठे हैं और यहाँ पर इन लोगों की ट्रांजिशन वीडियो चल रही है। मिसबा अपनी बर्थडे के लिए ट्रांजिशन वीडियो बनाएगी और मेरे साथ इतना बड़ा सीन हुआ। मेरी जो रेसिपी के लिए ना कॉर्नफ्लोर की भी ज़रूरत है और मैदे की भी, मैदा भी कम पड़ गया और कॉर्नफ्लोर की जगह कॉर्नफ्लोर की डिब्बी में पिसी हुई चीनी रखी हुई। मैंने वो खोला, मैंने वो जम गई थी हल्की हल्की। मैंने कहा है ये तो कॉर्नफ्लोर नहीं है। मैंने कहा ये तो कॉर्नफ्लोर नहीं लग रहा। कॉर्नफ्लोर की तो एक अलग से पहचान होती है, उसको जब यूज करते तो वो ऐसा अलग सा वो होता है। मैंने कहा ये तो कुछ दानेदार टाइप का, ये क्या है? मैंने मम्मा को दिखाया, मम्मा ने टेस्ट करवाया, ये पिसी हुई चीनी है। ये हमारे काम है, खैर हमने कभी किया होगा याद भी नहीं अब तो, कि हमने कॉर्नफ्लोर यूज़ करके उसके अंदर पिसी हुई चीनी रख दी। अल्लाह का अलग अलग शुक्र हुआ कि अब वो चिकन हमारी बच गई, वरना मैं तो फिर उस चिकन के मिक्सचर बनाने जा रही थी अभी। मैं पिसी हुई चीनी को मैदे में और सारा कुछ डाल के यूज़ कर लेती, फिर हमारी चिकन कैसी बनती। अल्लाह का शुक्र कि हमारी चिकन अभी बच गई है। अब मुझे मैदा और कॉर्नफ्लोर मंगवाना है, फिर मैं अपना आगे की रेसिपी स्टार्ट करूँगी। डेकोरेशन यहाँ पर बस स्टार्ट हो ही रही है और खाना भी बन रहा है और मामा के टिक्के भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं। इसी तरह हमारी बर्थडे की सेलिब्रेशन आज चलेगी और वो हम आपको दिखाएंगे। और ये हमारा नमक और मैदा कॉर्नफ्लोर, अब मैं इसमें डालूंगी इतना चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं। ये है मेरा नमक, थोड़ा सा मैं इसमें डालूँ नमक डालने से, क्योंकि नमक थोड़ा सा डालना है। और ये है लाल पिसी हुई मिर्चें, ये इसमें डालनी है। ये मैदे का सॉल्यूशन है, इसमें डालनी है लाल पिसी मिर्चें। और लाल पिसी मिर्चें मैं थोड़ी कम डालूंगी, क्योंकि मैंने पहले थोड़ी ज़्यादा डाल दी थी चिकन में, इसमें थोड़ी कम डालेंगे हम। ओह शिट यार, ये मेरा क्यों होता है ये लगता है, कोई बात नहीं, मतलब ये सही थी, लेकिन मैं थोड़ी कम डालने की कोशिश कर रही थी। हाफ टी स्पून डालने और मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, इतनी ब्लैक पेपर डाली, पता नहीं ब्लैक है या वाइट है क्या है, पर मैं डाल रही हूँ। और इतना समय दो चम्मच के करीब है, इसमें एक चम्मच के करीब डालना है सिर का। अगर आप एक किलो बना रहे जैसे चिकन, तो हर चीज़ की क्वान्टिटी डबल कर लें। टेप भी डालना था। और ये मेरे पास दूध, दूध आपको हाफ कप लेना है, थोड़ा ज़्यादा है, मैं इसमें थोड़ा डाल के देखूंगी कितनी की जरूरत पड़ती है मुझे, तो वो डालना है। और आपको ये मिक्स कर लेना है। लगता है ये दूध कम पड़ गया हमारा, हम थोड़ा और डालेंगे। मतलब आप ना एकदम इसको लिक्विड भी नहीं बनाना और इतना इसको सॉलिड भी नहीं बनाना, क्योंकि ये सॉल्यूशन है। मेदे की कोटिंग अलग तैयार होगी, ये अभी सिर्फ सॉल्यूशन है, जिसमें हम अपनी चिकन को डाल के वो डालेंगे उसमें, जिसमें वही भी मेदे को उसमें डालेंगे, तो आपको आगे पता चलेगा। लेकिन अभी आपको इस तरह बनाना है, मेरे को पूरी रेसिपी दिखाने लगा है, तो बस इस तरीके से बनाना है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म करना है। टेप नहीं है, तो देखो इसमें नहीं पड़ा, मुझे क्या पता टेप नहीं है। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ, डेकोरेशन के लिए हमारे पास टेप ही है, टेप लाना होगा, मुझे लगा था पड़ा हुआ होगा। इस तरीके से सॉल्यूशन बनाना है, इसे मिक्सर में डालना पड़ेगा। यहाँ पर इनकी आधी डेकोरेशन, आधी आधी से थोड़ी कम, 100% डेकोरेशन हो चुकी है। बलून्स फूल चुके हैं और गाने मुझे नहीं पता कहाँ लगे। ड्राइंग रूम का हाल तो तुम लोगों ने बिगाड़ दिया। ये हो चुका है, किचन में भी काफी सारा काम हो चुका है। मेरी चिकन भी बस अभी रेडी हो जाएगी, बस मुझे फ्राई करना है, उसको कोट करना है। और यहाँ पर ये पराठे बन रहे हैं, ये मम्मा का चिकन है और इस चिकन में धुएं का वो लगा हुआ है, जो भी हो सब। और मैं आपको इस चिकन की शक्ल बहुत जल्दी दिखाने वाली हूँ। किचन का हाल बहुत बेहाल है और अपनी चिकन को मैं करूँगी फ्राई बहुत जल्दी, जब ये सब हो जाएगा। अभी ये कुछ हाल है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेलिब्रेशन। ये देखो, ये मिसबा ने अपनी ट्रांजिशन वीडियो बनानी है। ये स्कर्ट वो पहनेगी, ये शर्ट वो लेके चले गई, ये पहने के लिए, ये बूट्स भी पहनेंगे। उसने ट्रांजिशन वीडियो बनाई थी, सारा कुछ रखा था अपनी वीडियो के लिए। और मेरा तो हाल ही बेहाल है, मेरा तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है, मगर मैं अपने कपड़े चेंज नहीं करने वाली, मैं ये बिकाने के लिए भी रहूँगी। तो मिलते हैं वहाँ से कुछ देर बाद। सो गाइस, अब सब कुछ हो गया है और देखिए ये चिकन भी मैरिनेट हो गई है और सारा मुझे इसको तलना है, फ्राई करना है। इसके लिए मैंने कुछ नहीं करा, बस ये एक करीब के, एक कप के करीब मैदा लिया और इसमें एक चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर डाला और बस ये सूखा हुआ स्टफ रेडी है। और ये मैंने लिक्विड वाला जो था वो आपके सामने ही बनाया था। ये हमारी चिकन है, अब हमें इसको फ्राई करना शुरू करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगी, मैं क्योंकि अब शायद ही दिखा पाऊँ, क्योंकि अब मेरे हाथ इतने गंदे होने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फ्राई पैन में तेल गर्म कर रही हूँ, तो सब अभी तो मैं पहले चिकन मिक्स करूँगी, फिर मैं इसमें डालूंगी। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। सबसे अच्छा
हेलो गाइस, बर्थडे गर्ल दिखाओ ना आपको मिला एक ये देखिए ये है हमारी बर्थडे गर्ल डोला दिखाओ ना ये है हमारी बर्थडे गर्ल आप इससे अपना मोबाइल हम लगा दें और ये देखिए मतलब इसको बिल्कुल ऐसे यूं दबा कर क्योंकि ये फर्स्ट कोड है ना तो इसको ऐसे अच्छे से लगाना है फिर इसको ऐसे कर रहे हैं यार पीछे की जोर से गाने चल रहे हैं फिर यूं कर ले सारा जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैदा है ना इसको छान ले अपने लिक्विड वाले में डालें उसको लिक्विड में डुबोएं लिक्विड को भी ऐसे कर ले ये हो गया फिर इसको मैदे में डालें इस तरीके से करके दो या तीन कोड तो लाजमी इससे ज्यादा कम ज्यादा हो सकती है कम ना करें तो बेहतर है इस तरीके से मैं सारी करती हूँ ट्राई करती हूँ आपको लाजमी दिखाऊं तो अभी यहाँ पर हमें अपना काम बीच में छोड़ना पड़ा मैं इतनी चिकन बची थी और मेरा मिक्सचर भी कम पड़ गया तो आप जरा एहतियात कीजिएगा तो मैंने मिक्सचर दोबारा से बना लिया लेकिन अभी मुझे जाना पड़ रहा है ये देखो मेरी सिर्फ अभी इतनी चिकन रेडी हुई थी और ये मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि 10:30 होने वाले लाइट चली जाएगी फिर कप केक काटेंगे इसलिए वो अभी केक काट रही है तो मैं भी अपना सारा काम छोड़ के जा रही हूँ ये है यहाँ की सेलिब्रेशन डेकोरेशन ये देखो कितनी प्यारी डेकोरेशन की और ये है तो ये अब मैंने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमें इसको आटा लगा के ज़्यादा देर के लिए रखना नहीं है मुझे लग रहा है ये मेरे साथ वही हुआ है कि ये ना ऊपर से फ्राई हो जाएगी लेकिन ये अंदर से नहीं हो पाएगी तेल बहुत गर्म होगा कोई बात नहीं इसको देख लूँगी अब ये मेरे साथ चलाकियाँ नहीं कर तो वहाँ पर सेलिब्रेशन स्टार्ट हो रही है एंड देखिए चिकन फ्राई करनी है क्रिस्पी फ्राई चिकन बन रही है आई एम फास्ट 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 अच्छी खासी बन गई है यार मुझे लग रहा था मैं फेल हो गई मामा ने भी कहा था सच में लाइट जाने की वजह से मुझे ये चिकन फ्राई करनी थी और उनको सेलिब्रेशन करनी थी इसलिए मैंने उनकी बर्थडे का दूर से देख लिया कोई बात नहीं आई एम हैप्पी विद इट ये देखें इसको इतनी इतनी फ्लेम पे हमें बनाना था और पहले वाली मैंने जल्दी फ्लेम पर बना दी बनी तो बिल्कुल सही है लेकिन थोड़ी ज़्यादा हो गई मतलब इनको फ्राई होना है थोड़ा 2-3 मिनट के लिए ताकि ये अंदर से भी गल जाए ये वाली थोड़ी सही नहीं है शुरू की थी इसलिए मगर वाली सही है मैं इनको छोड़ के जा रही हूँ बस बजे तस्वीर के जा रही थी मुझे सही और देना है तस्वीर को दिखाऊंगी जा नहीं सकती इसलिए अब जाऊँगी मतलब ये अभी बिल्कुल सही फ्लेम है इसको इस तरह का होना चाहिए बाकी अभी सिर्फ ये दो मची है ये तो मैं खाऊंगी मुझे ये खाना है ऐसे पकड़ के और मैं आपको मम्मा का दिखाऊंगी ये देखिए मम्मा ने इस तरह का खाया ये इतना टेस्टी होता है ना मतलब बहुत टेस्टी होता है सीरियसली मैं चखूँ तो थोड़ा सा तो इधर मेरी चिकन हो चुकी है बिल्कुल रेडी और ये कितनी अच्छी लग रही है कुछ ज़्यादा पक गई हैं अब हम चलते हैं अपनी चिकन को लेकर सब मुझे अपना आवाज़ में रिएक्शन दो क्रिस्पी चिकन को लेकर सब मुझे अपना आवाज़ में रिएक्शन दो यार थोड़ा सही रिएक्शन दे दो चाचू एक क्रिस्पी चिकन है यार पकोड़े नहीं है पकोड़े बनाए बड़े वाले पकोड़े मच्छी अल्लाह ये चिकन कह जा रहे हैं तो मच्छी मेरे चाचू में देखो ये मच्छी या पकोड़े लग रहे हैं भाई ये क्रिस्पी चिकन है ये मैंने बनाई है मच्छी तो लग रहे हैं भाई पीस मुझे और ये है मम्मा के बनाए हुए बिहारी भोजी और इसके साथ हम खाएंगे पराठे क्रिस्पी चिकन खाएंगे रूखी और इसके साथ खाएंगे पराठे चलो नेक्स्ट ईट तो इधर अब केक कटने जा रहा है खाना तुमने खा लिया मेरा ये खाना और मेरी ये चिकन ये केक कट रहा है तो अभी इस अंधेरे में बैठ के मैं खा रही हूँ अपना केक मेरा केक सुपर टेस्टी मैं तो जस्ट बेस्ट तो गाइस अभी हमने खाना पीना हो गया खाना खत्म हो गया और अभी मुझे ये सारे बर्तन धोने हैं पूरा किचन साफ करना है और अगर आप लोग को मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो मैं आपको जोर जोर से बोलती हूँ क्योंकि हमारी गली में बल्कि हमारी गली में क्या हमारे मार्केट में इतने सारे लोग हैं असल के कमज़ोर है आप लोग के हिसाब से लगता है कि भाई शादी है हमारी हो है कुछ भी है गाने लगाओ पूरा आवाज़ में पूरी गली को सर पे उठा लो किसी का कुछ भी हो रहा है आपको नहीं फिक्र आप बस गाने लगाए और शुरू हो रहे हैं अब ये तो सोचो कि यार आप क्या है तो आपको इतना लगाओ कि आप लोग सोचते आपने वो बनाया आप इतने पूरी गली को गाने लगा दिए क्या किसी का किसी की तबीयत खराब है उसके पेपर हो रहे हैं किसी का बहुत सही अच्छी हो सकती है तो आप जोर से आवाज़ में लगा रहे हो कि पूरी गली सुने ये गलत बात है ना मैसेज है उन सबको जो
बाबा कुछ भी हो जाए आपको कोल्ड ड्रिंक ढूंढ के लानी है क्योंकि ये पैसे कंजूसड़ी सानिया आप ही के निकले। बिल्कुल इसको खर्ची कर क्या होगा बाबा, पहले कोल्ड ड्रिंक ना बोले किसी को दे के आ जाना, वापसी मत लाना क्योंकि ये बाबा ये कौन है हमारे घर की बाबा असद का खराब कंजूसड़ी। बाबा बताओ कौन है हमारे घर की कंजूसड़ी मुफ्ताई और क्या लफ्ज है इसके लिए, पढ़ा रही है ना ये भी नहीं पढ़ा रही लेकिन फिर भी मुफ्ता मारती है ना ये सब जगह। पाँच तो अभी बच चुके हैं 12 और आ चुकी है लाइट और अब ये डेकोरेशन उतरने वाली है। मिसबाह इसको बाय बाय कह दो, इसके साथ एक दो पिक्चर और ले लो क्योंकि ये डेकोरेशन है अब उतरने वाली। और हमारा हुलिया इतना अच्छा तो नहीं है कि हम इधर पिक्चर लें। और अभी अंकल आपको पता होगा कि ये किचन अब करना है सर मुझे, और मैं इतना चीखकर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को आवाज नहीं आ रही होगी। इस नेबर की वजह से ये लोग जो इतनी लगा करते हैं, क्या चीज है जो इतने गाने जोर जोर से लगाते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। अभी पूरी रात चलेगा, हम ना सो सकते हैं, हम ना खा सकते हैं, हम ना बोल सकते हैं, हम ना कुछ कर सकते हैं, ये गलत है। तो अभी हमारी कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है और लाइट आकर जा चुकी है, 12:20 हो रहे हैं और लाइट आई और फिर चली गई। लाइट वाले को इतनी शर्म नहीं आ रही कि रबी अव्वल का महीना है, अगर दो चार साल पहले भी वक्त पे लाइट दी थी, फिर भी ये हर पाकिस्तानी आवाम का गुस्सा है जो घर में बैठे बैठे जमा हो रहा है और एक ना एक दिन ये ज्वाला मक्खी नहीं क्या बोलते आतिशफिशा बन के फटेगा एक ना एक दिन हर पाकिस्तानी का गुस्सा। तो इसको आप लोग बिल्कुल नॉर्मल नहीं, इस गुस्से को गुस्सा। अरे
लाइट वालों को इतनी तमीज अकल शऊर नहीं है कि एक तो लाइट अभी जानी ही नहीं चाहिए। डबल डबल का महीना लाइट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पहली डबल से 12 डबल तक लाइट जाना ही नहीं चाहिए। फिर भी लाइट नहीं तो भाई तो वक्त पे आई और उसके बाद क्यों जा रही है ये बिना वजह लाइट बेवक्ती लाइट क्यों जा रही है ये कितना गलत है। इसके खिलाफ भी हमें बोलना चाहिए। हमें बोलना चाहिए कि ये क्यों जा रही है। एक तो डबल लाइट जानी नहीं चाहिए बिल्कुल गलत है। सो गाइस मेरे पीछे आप देख सकते हैं 1:30 बजे है और अब लाइट आई है पूरा एक अभी 12 बजे लाइट आती है और अब 1:30 बजे आई है पूरा 1.5 घंटे लाइट लेट हो गई ना 1.5 घंटे लाइट लेट हुई है। शर्म आनी चाहिए लाइट वालों को बस यही बोल सकते हैं हम। तो अभी हमें बर्तन धोने हैं और उसके बाद हमारी होगी बच्चों मेरे बर्तन धोने के बाद क्या होगा कोल्ड ड्रिंक पार्टी। उसके बाद हम करेंगे कोल्ड ड्रिंक पार्टी। लाइट गई हुई थी मूड इतना खराब हो चुका था इतना खराब उस खुदा और अब ये सारी डेकोरेटिंग उतर रही है तो यहाँ पर पूरा गंदा किचन में साफ कर चुकी हूँ पूरा किचन साफ कर लिया अब जाएं। और ये चूल्हा इस चूल्हे के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चूल्हा हमारा नहीं है ये चूल्हा फिलहाल तक है इसके बाद ये चूल्हा चेंज हो जाएगा और हमारा दूसरा चूल्हा यहाँ पे जो फिक्स हुआ हुआ है वो आ जाएगा। अपने कई शॉर्ट्स में मैं ये बात आपको बताना चाहती हूँ लेकिन बता नहीं पाती क्योंकि 1 मिनट का टाइम सिर्फ इसलिए। तो आज का ब्लॉग बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग भी मेरा अच्छा सा आने वाला है तो आज के ब्लॉग में बस यहीं तक और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।